ये कॉन्फ्रेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें क्या बातचीत हुई आज? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये जो हम जिसको कहते हैं धरती हमारी माँ है, ये ज़मीन हमारी माँ है, उसका हम बच्चे जो हैं वो माँ से सिर्फ खिदमत लेते हैं और माँ की खिदमत नहीं करते, लेकिन माँ की भी एक एनर्जी है, इसी तरीके से इस धरती की भी एक एनर्जी है, वो अगर हम सारे के सारे यूटिलाइज़ कर लें तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसको सोचते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, और उस 17 डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें सारे के सारे दुनिया की सारे के सारे ममालिक जो हैं पार्टनर्स हैं। अभी 16 से 18 नवंबर तक इजिप्ट में जो है ना इस पे COP27 भी, और उसमें जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएं और आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं। इसमें 17 में से जो 16 गोल्स हैं वो तो स्पेसिफिक्स हैं, पावर्टी है, एलिवेशन है, ह्यूमन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद की थी, और 17वां है कि किस तरीके से लोग आपस में पार्टनरशिप करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो हम मैं और डॉक्टर सरोश जो है वो टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ हमने डिसाइड किया कि हम इसी पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशंस भी थी कि हम पाकिस्तान में इस पे करें। फिर हमने इस पे पूरी एक मेहनत की, और सारे आप इसमें आप अगर स्पीकर्स देखें जो आने वाले कीनोट स्पीकर्स हैं और जो प्रेजेंटर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी, इंडोनेशिया का भी आपने सुना, और वर्ल्ड बैंक भी हमारा इसमें पार्टनर है, UNDP भी पार्टनर है। तो हमारी कोशिश है कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को कंबाइन करके कोई ऐसा फ्रूटफुल सोल्यूशन दें जिससे ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए और पूरी पूरी जो दुनिया है उसको इसका फ़ायदा पहुँचे। सर, ओवरऑल हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का या कंस्ट्रक्शन का जो मैार है वो उस तरह का नहीं जो सस्टेनेबल कहलाया जाए, उसके हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं अभी रिसेंटली US से आ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी का और US में भी है, और वहाँ पे भी अब चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली लोगों का ख्याल है कि ये सस्टेनेबिलिटी जो है ना, ये एक लेविश चीज़ है, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम इतना एक्स्ट्रा खर्च करें, हम तो लकड़ी भी जलाएंगे, हम तो कोयला भी जलाएंगे, और हम ये भी करेंगे, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि ऐसे रिसोर्सेज देने चाहिए, गवर्नमेंट को उसके इंसेंटिव्स देने चाहिए, ताकि हम चीज़ों को इसी तरीके से, आपने सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की बात की, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल्स का इस्तेमाल, खासतौर पे जो है ना वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल, कम से कम वेस्ट जनरेट करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये करनी है। इस पर हम अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं, मैं कहता हूँ डेवलप्ड नेशंस जो है ना, यानी अभी मैं एक महीना US और कनाडा में था मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। और अब अगर आप COP27 के अंदर देखें तो जितने बड़े ममालिक हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को रोक रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस पर एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना हम जो है ना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा, आपने गवर्नमेंट्स का जिक्र किया, तो आपके साथ कोई गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे इश्तराक? हाँ, हमारे साथ इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें हमारी पार्टनर है इस कॉन्फ्रेंस में, जो उनका SDG यूनिट है, और जिसमें UNDP पार्टनर है। और ना सिर्फ, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हमने उनके प्लानिंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है नकवी साहब से जब ये डिस्कशन किया, तो ही रेडिली अग्रीड कीजिए हम इसमें पार्टनर भी बनना चाहते हैं, और फिर माशाल्लाह उनकी पार्टिसिपेशन भी हैं, और कल आप उनकी प्रेजेंटेशन देंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।